बताते जाएंगे। एक सवाल है, ये जो है इस बार आपने कहा है कि ये जो साल है ये नियुक्ति का साल होगा, क्या प्लान है सरकार का कुछ? वैसे तो हम लोगों ने कई रोजगार के नए आयाम खोले हैं, अभी कई नई नीतियां हम लेके आ रहे हैं। राज अलग होने के बाद जेपीएससी को आज तक उसकी नियमावली नहीं बनी थी, जो नियमावली हम लोगों ने बना करके दी है। और अब धड़ल्ले से आप देखेंगे नियुक्तियों की बौछार राज्य में होगा, जिसका लाभ यहाँ के हमारे छात्र छात्राओं को, नौजवानों को मिलेगा। अभी खेल नीति हम लोगों ने लाया, अभी हम लोग खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हम लोगों ने की, प्रारंभ कर दी। हम लोगों ने राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की हम लोगों ने बहाली की, और वो भी आपने देखा होगा यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं। हमारे विपक्ष अक्सर ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार को आंखें दिखाती है। आपने देखा होगा कि जिस दिन खिलाड़ियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी, हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में सभी खिलाड़ियों के लिए जिला का एक स्लिप रख दिया था, 2400 जिला का, जिसने जो जिले का स्लिप उठाया उसी जिले में वो पदाधिकारी नियुक्त हो। खेल पदाधिकारी 2400 जिला में हमने कोई नहीं किया, ये नजीर रहा पूरे स्टेट में। पदाधिकारियों ने खुद से अपना जिला चूज किया, तय कर लिया। ऐसा मुझे लगता है कि इस सालों में आपने कभी नहीं देखा होगा। और गलत करने वाले पदाधिकारियों पर तो गाछ गिर ही रही है, चाहे वरीय पदाधिकारी हूं चाहे जूनियर, इसमें कोई गुंजाइश इस सरकार में नहीं है कि कोई गलत करके